नेचर होता है, जब औरत अपनी ही पति जब आगे बढ़ने लगती है तो उनको बहुत तरह तरह का जलन होने लगता है, जो वो भी एक कारण हो सकता है। और ज्योति मौर्य जब तक अंदर अंदर उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर नहीं करता था, तब तक इतना बड़ा कदम वो नहीं उठा सकती है। और दूसरी बात, कोई भी औरत नहीं उठा सकती है, अंदर से टॉर्चर होती है तभी इतना बड़ा कदम उठाएगी। कोई भी औरत तिल 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 करके अपना घर बसाती है, घर बसाना चाहती है, हस्बैंड या घर के आदमी उसको टॉर्चर करने के बाद ही उसको इतना बीस उसके दिल में दिमाग में भर देते हैं, जिसके कारण वो इतना बड़ा कदम औरत उठाती है। और रह गया बात कि उसका हस्बैंड अगर बहुत अच्छे रहते तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूमते नहीं, वो बैठ के समझौता घर में बिल्कुल वो करता होगा। बिना टॉर्चर की इतना बड़ा कोई भी औरत इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। और जहाँ तक बात रह गया संबंध का बात रह गया, वो संबंध कौन किसका जानता है, कोई किसी का नहीं जानता है। और वो जान रहे हैं तो इतना उनको टॉर्चर किए हैं, जो ऐसा कदम उनको उठाने पर वो मजबूर हुए होंगे। लेकिन उनके हस्बैंड तो मीडिया से बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके बात कर रहे हैं कि ये हर एक महीना अवैध वसूली करती थी, उसे आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? सोच लीजिए उसका हस्बैंड कैसा है। जिसका हस्बैंड सही रहेगा और अपना पत्नी को पत्नी मानेगा, उसका हस्बैंड ऐसा कर सकता है? उसका हस्बैंड बदतमीज है, ऐसा लाने पर वो मजबूर किया है ज्योति मौर्य को, यहाँ तक पहुँचाने वाले ज्योति मौर्य को उसका हस्बैंड है।